राजमाता जी जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पालन पोषण किया और जिस प्रकार से गुरमत के सांचे में ढालने के लिए कदम कदम पर एक ऐसे शिक्षाएं प्रदान की और साथ ही साथ इन्होंने किए भी भाव मजबूती से हृदय में भरा कि ये सात संगत रूप भी ये भी एक माँ का रूप होता है और ये माँ की गोद और माँ का साया ये हमेशा प्राप्त होता आया है और ये होता रहे। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के सहयोगी बनकर चलें, कदम से कदम मिलाया जाए और इस भक्ति के मार्ग पर, इस परमार्थ के मार्ग पर जो सेवा सत्संग सुमरन निभानी होती है तो उसमें भी एक दूसरे के मददगार होंगे, एक दूसरे के सहयोगी होंगे ताकि कहीं पर भी कोई अंग एक कमजोर ना पड़ जाए। और केवल भक्ति को निभाने के लिए नहीं, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाने के लिए भी एक दूसरे के जब सहयोगी बनकर चलते हैं तो वाकई उसमें घरों में वातावरण सुंदर बने रहते हैं और संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है। जब एक दूसरे की कदर, एक दूसरे का सत्कार किया जाता है और इधर झुकना सिखाया जाता है कि कहीं पत्नी का दर्जा कम नहीं होता है, एक साथ होता है और इस प्रकार से विनम्रता जब दोनों तरफ हो तो वहां पर घर स्वर्ग क्यों ना बने। तो एक घरों के वातावरण इन्हीं गुणों से युक्त होकर जीवन जीने के कारण ही सुंदर बनते हैं। निम्रता रूपी, प्यार रूपी, एक दूसरे का सत्कार रूपी, जुबान पे मिठास, विवेक पूर्वक जिम्मेदारियों को निभाना, यानी कि विशालता की भी जरूरत, सहनशीलता की भी जरूरत, तो ये परिवार के हर सदस्य में इसकी जरूरत है। परिवार के तमाम सदस्यों में भी अगर यही गुण आ जाए तो वाकई स्वर्ग
बनता ही बनता है और घर आंगन महक उठता है। फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और आज जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, उसमें अक्सर हम आज के दौर में देख रहे हैं कि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते जा रहे हैं या कंप्यूटर्स या मोबाइल्स की तरफ ही उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि वाकई ये आस्पेक्ट बहुत अहमियत रखता है। जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती चली जाएं, वहाँ पर स्पोर्ट्स भिन्न भिन्न इसमें जो इवेंट्स हुआ करती हैं। मैंने भी जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई हासिल की, तो हमारे स्कूल में भी कितने ही प्ले फील्ड्स थे और मौका मिला हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का, चाहे एथलेटिक्स थी, चाहे रेसेस थी, या फिर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तो हर फील्ड में दास को मौका मिला। आज निजी लेवल के ऊपर भी स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत देता है और कितने ही ओलंपिक्स गेम्स भी देखने का मौका मिला। दास यही समझता है कि महापुरुष तो हमेशा अवसर ढूंढते हैं कि किस तरह से हम अपना प्यार प्रकट कर सकें और इस तरह से खुशियां भी ये मना सकें, और दास का भी यही भाव रहता है, कोशिश रहती है कि जिस तरह से, जिस रूप में भी दास किसी को खुशी प्रदान कर सके, साथ संगत को खुशी प्राप्त हो सके, तो इसलिए ये तुझसे जतन जितने भी हो पाते हैं, तो दास के मन में भी हमेशा यही भाव रहता है। जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूं, काम में खुश हूं, आराम में खुश हूं, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूं। गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूं। आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूं। कोई नाराज हो गया है, उसकी इस अदा में ही खुश हूं। तो कैसे कैसे एक मन की अवस्था का जिक्र हो रहा है, और भी कुछ ऐसी पंक्तियां कि कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूं, और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतजार में खुश हूं। और आखिर में
ये पंक्ति आती है कि अगर ये पंक्तियां अच्छी लगी तो जवाब दे देना, अगर जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हो। तो इस प्रकार से ऐसी मन की अवस्था हर किसी की बने कि हर हाल में खुश रहे, हर हाल में एक आनंद बना रहे। समाज के लिए अनेकों अनेकों उत्तरदायित्व का पालन किया जा रहा है, जहां पर समाज की सेवा के रूप में कैसे कैसे योगदान महापुरुष देश विदेश में दे रहे हैं। कहीं पर सफाई अभियान चल रहे हैं, कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, कहीं पर कोई और विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, कहीं पर यूथ एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, कहीं पर गांव खेड़ों में योगदान दिए जा रहे हैं। तो केवल यही पहलू नहीं है, मिशन का जो योगदान है वो लोक पर लोक दोनों को संवारने के रूप में है। जो पिछले चंद वर्षों से जो 23 फरवरी को दास का जन्मदिन मनाया जाता है, एक गुरु पूजा के नाम से उस दिन को मनाया जाता है, तो उस वक्त महापुरुषों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इस तरह से ये कुछ रूप ऐसा बने, वरना 23 फरवरी तो हर साल ही पहले भी आती थी। और उस वक्त दास कहीं ना कहीं टूर पे किसी स्टेशन पे होता था और वहीं पर सीमित सी संगत अपनी खुशी जाहिर कर लिया करती थी। लेकिन अब जब से यहाँ दिल्ली में ही ये इस गुरु पूजा दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है, तो यही ध्यान में बात आई है कि 23 फरवरी को ये गुरु पूजा दिवस तो ज़रूर नाम वही रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दास यहीं हो, कहीं पर भी हो सकते हैं। बाकी उस दिन जो सफाई अभियान है वो उसी तरह से वो कार्य होंगे, कोई और भी निर्णय सोशल सर्विस के रूप में उस दिन किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो उसी तरह से होंगे। लेकिन वो जो बाकायदा रूप बनता है वो दास यही समझता है कि वो अब इसके बाद ज़रूरी नहीं। इतने दूर दूर इलाके में बैठे हुए महापुरुष, केवल एक पल एक क्षण खाली गाड़ी का एक पल रुकना और उनके चेहरे पे जो खुशी और आंखों से छलकती हुई वो प्रेम की धारा, वाकई ही दास के मन में हमेशा ही ये बात रहती है कि जो उस प्यार मिलता है और बचपन से ही प्यार मिलता आ रहा है, जो साथ संगत ने हमेशा ही सर आंखों पर हमेशा बिठाया है, तो यही अरदास हमेशा रहती है कि दादार कृपा करें कि इसी तरह से दास भी अधिक से अधिक इसी तरह से कुछ देन दे पाए कि महापुरुष भक्त जनों को खुशी हासिल हो। तो ये उमड़ता हुआ जो प्यार है आपके हृदय में, जैसे कि दास हमेशा कहता है कि आई एम सो लकी टू हैव सो मच लव फ्रॉम एवरीवेयर एंड आई एम थैंकफुल फॉर द गुड विशेस एंड लव आई एम गेटिंग। दास यही अरदास करता है कि दातार कृपा करे कि ये जो प्यार का संसार बसा है, ये जो सात संगत रूपी छोटे छोटे बच्चे से ले के बुजुर्गों तक, जवानों से हर किसी से
जो इस कदर जो अपनेपन का भाव जो पैदा हुआ है, ये वाकई इसकी पूरी पूरी महसूसियत होती है। एक संसार में जो अंधकार फैला हुआ है, और इसी के लिए दातार कृपा करे कि अधिक से अधिक और स्थानों पर पहुंचा जा सके, और उसके लिए हमेशा दास कहता है कि शक्ति है तो निराकार की और साध संगत की शक्ति है। यही है जिसके कारण दास जहां तहां जा पा रहा है, और इस प्रकार से जो प्यार मिलता है और उसी के कारण एक ऐसी रवानगी आ जाती है, और उसी से एक शक्ति और ताकत मिलती है। यही अरदास है कि उपकार के कार्यों में ये शक्ति ताकत हमेशा साध संगत की दुआएं, साध संगत की आशीर्वादों से प्राप्त होती रहें, और सभी मिलजुल कर जो बाबा बूटा सिंह जी ने इस तरह से ये पौधा लगाया, इसी तरह से शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के यतन और बाबा गुरबचन सिंह जी की कुर्बानी और उनके योगदान, और अनेकों महापुरुषों ने जो मिशन में इतने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, तो इसी सच्चाई के मिशन को, इस प्यार के मिशन को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। कहीं पर भी कोई हो, अगर ये ज्ञान याद रहता है तो ये तार जुड़ी रहती है। शरीर कहीं पर भी